सुस्त और लापरवाह प्रशासन के कारण हनुमान जी न्याय के लिए भटक रहे हैं। नौगांव के ग्राम कुलवार में धनुषधारी मंदिर की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। न्यायालय का फैसला मंदिर के पक्ष में आया, लेकिन अभी तक प्रशासन मंदिर को कब्जा नहीं दिलवा पाया है। छतरपुर में जन सुनवाई में शंख बजाते हुए हाथ में हनुमान जी की प्रतिमा लेकर आवेदन देने एक पुजारी पहुंचे। पुजारी शंख बजाते हुए जैसे ही बस जन सुनवाई कक्ष के अंदर पहुंचे तो मंचा अधिकारियों में हड़कंप मच गया। छतरपुर में ऐसा यह पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी पुजारी पुरुषोत्तम दास नायक हनुमान जी की प्रतिमा लेकर आवेदन देने आए थे। पुजारी ने कहा कि हनुमान जी न्याय के लिए भटक रहे हैं। नौगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम कुलवार में धनुषधारी मंदिर है और उस मंदिर की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। न्यायालय का फैसला मंदिर के पक्ष में आया है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए वह कई बार आवेदन देने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तो वह एक बार फिर से हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर आवेदन देने के लिए पहुंचे हैं। जाने की इजाजत हुए थे कि जब से जीत गए तब से उनको जगह ही नहीं मिल पा रही, वो हम ले लें फिर 2016 से। विवाद यह है कि मंदिर की जमीन को लिखा दिया था, नहीं कि हमारे पर होती है वो मंदिर के ऊपर पटवाई से तहसीलदार से मिलकर के गिरवा दिया था, उसी से संपत्ति को भी निकाल ली। इसके बाद में जो हमने जमीन जो है केस में लगाया है, जमीन तो वो इनके नाम निकल गया पूर्व मूर्तियों के, और 2014 में जो मूर्ति उन्होंने हटाया जा, वो हम अनशन पे बैठना चाहते हैं कि जब भगवान को भी जमीन पे आए ऐसे बंटवारा प्रशासन कर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।